सो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई एम वेरी श्योर कि आप सब बेहतरीन हैं। और यस, अब टारगेट है एग्जीक्यूटिव दिसंबर 2019। यस, आपके जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम। और मैं हमेशा कहता हूँ कि एग्जीक्यूटिव क्लियर हो गए मतलब फाइनल क्लियर होने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। सबसे मेन होता है एग्जीक्यूटिव। फाउंडेशन आपने क्लियर किया, आपकी लाइफ का पहला सक्सेस था। एग्जीक्यूटिव आप क्लियर करने जा रहे हैं तो बेहतरीन वो मोमेंट है। और अभी देखिए बच्चों, अभी अपने पास सितंबर, अक्टूबर और सॉरी अगस्त का पूरा महीना है, सितंबर का पूरा महीना है, अक्टूबर, नवंबर, ये 4 महीने में आप अपनी पूरी पूरा सिस्टम पलट सकते हैं। अगर आपके मन में कोई डर था कि यार आपने ये क्लास बंक मारी है, आपने वो सब्जेक्ट की अच्छे से पढ़ाई नहीं की, मेक श्योर अच्छी स्ट्रेटेजी अगर आपके पास है, इफ यू हैव अ गुड स्ट्रेटेजी, आप डेफिनेटली क्लियर कर सकते हैं। जस्ट थिंक उस मोमेंट के बारे में सोचिए कि यू नो, जब आपके दोनों ग्रुप क्लियर होंगे और आपका रिजल्ट आपके सामने आएगा, हाउ वुड यू फील? सो जो बच्चे दोनों ग्रुप के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए स्ट्रेटेजी टेक्निक एक बड़ी सिंपल है। बहुत सिंपल सी टेक्निक से आपको पढ़ना है। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि आपकी क्लासेस, आज ये जुलाई का महीना है तो मैं ये मानता हूँ कि आपकी सारी क्लासेस खत्म हो गई हैं, क्योंकि जनवरी में क्लासेस स्टार्ट होती हैं। अगर मान लीजिए फरवरी मार्च में भी आपने क्लास स्टार्ट किया होगा, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सॉरी जून जुलाई, 5 महीने का टाइम हो चुका है और आपकी क्लासेस खत्म हो चुकी हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। और अगर नहीं भी हुई है तो प्लीज़ आप अपनी क्लासेस वालों से कहिए कि जल्दी से क्लासेस खत्म करें, क्योंकि अब जो है वो क्रूशियल टाइम है बच्चों। ये चार महीने में जो बंदा मेहनत कर लेगा उसका 200% एग्जीक्यूटिव क्लियर करना श्योर है। क्योंकि दिक्कत क्या होती है ना बच्चों, हम लोग क्या होता है, जब फेल होते हैं ना उसके बाद प्लान करते हैं। अभी टाइम है अपने पास बच्चों, वी हैव 4 मंथ्स। 4 मंथ कम्स टू अराउंड 120 डेज। चलिए दिवाली के 7 दिन हटा लीजिए, अब मैं मानता हूँ आप पढ़ाई नहीं करते, मैं भी नहीं करता, तो 7 दिन छोड़ दीजिए, बाकी बच्चों यू हैव सो मच ऑफ टाइम। नाउ इस टाइम को प्रॉपरली सही तरीके से यूज करना है, और यूज करने के लिए अच्छी एक स्ट्रैटेजी। तो बच्चों कल से ही आप लोग तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जैसे कि जो लोग ग्रुप वन दे रहे हैं तो वो लोग 4 सब्जेक्ट का एक ग्रुप बनाएंगे, और जो लोग बोथ ग्रुप दे रहे हैं वो 8 सब्जेक्ट का ग्रुप बनाएंगे। जो लोग एक ही ग्रुप दे रहे हैं, दिन में अगर आपने एक ही सब्जेक्ट पढ़ा बहुत अच्छी बात है, आप सिर्फ कंपनी लॉ लीजिए, 2 दिन कंपनी लॉ पढ़िए, 2 दिन आप SBEC पढ़िए, 2 दिन आप अपना जीगल पढ़िए, और 2 दिन आप क्या पढ़िए, टैक्स पढ़िए, ऐसे ऐसे। और मैं मानता हूँ आप 10 घंटे मिनिमम पढ़ेंगे, 9:1 का रेशियो बनाइए, 9 घंटे पढ़ाई और 1 घंटे MCQ, 9 घंटे पढ़ाई और सॉरी 9 घंटे पढ़ाई और 1 दिन प्रैक्टिकल, डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन आंसर, और MCQ में 1 घंटे आपका MCQ का। सो अगर मान लीजिए आप 9 घंटे ही कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं, तो 9 घंटे आपने कंपनी लॉ पढ़ा, और आखिरी के 1 घंटे में आपने क्या करना है, आखिरी के 1 घंटे में आपने जो दिन भर पढ़ा है, मेक श्योर कि आप 5 क्वेश्चन लें और उन 5 क्वेश्चंस का आंसर लिखें। क्वेश्चन आपको स्कैनर से मिल सकते हैं, अगर मेरी अकेडमी की बुक आपके पास है तो आपको वहां से मिल सकते हैं, उनके आपने आंसर सॉल्व करने। और पास एग्जाम के पेपर ICSE वेबसाइट पे मिलते हैं, आप ICSE पे गूगल पे जाके ICSE पेपर लिखेंगे तो आपको पास एग्जाम के पेपर मिलेंगे, और मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि वो पेपर सॉल्व कीजिए। देन पहले कंपनी लॉ 2 दिन हो जाएगा, 2 दिन में मेक श्योर कि 50% सिलेबस या 40% सिलेबस आप खत्म करें, ज्यूरिसप्रूडेंस के 2 दिन, SBEC के 2 दिन, और देन आपके टैक्स के 2 दिन। अगर आपको टैक्स के लिए एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो आप 1 दिन एक्स्ट्रा ले सकते हैं, कंपनी लॉ के लिए आपको 1 दिन एक्स्ट्रा चाहिए तो आप ले सकते हैं, बट मेक श्योर 2 2 2 2 8 डेज, और इसमें से 1 दिन आप एक्स्ट्रा मान लीजिए आपने टैक्स के लिए या फिर कंपनी लॉ के लिए पहली रीडिंग में, एंड देन अगेन स्टार्ट विद सेकंड। फिर आप क्या कीजिए, ये आपका फर्स्ट रिवीजन हो गया, देन आप सेकंड रिवीजन लीजिए। अच्छा, जो लोग सिर्फ सेकंड ग्रुप के लिए अपीयर कर रहे हैं बच्चों, उनकी क्लासेस मेरे हिसाब से चल रही होगी, अगर मैं ये मानूं कि उन्होंने जून में एग्जाम दिया है, तो जो लोग सिर्फ सेकंड ग्रुप के लिए एग्जाम दे रहे हैं उनको भी सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करना है, EBCL 2 दिन, सिक्योरिटीज 2 दिन, FM 2 दिन, SM 2 दिन, 9:1, 9 घंटे की पढ़ाई और 1 घंटे आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सब्जेक्ट में आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, और MCQ में आपको MCQ सॉल्व करने हैं। अब सवाल आता है कि जो लोग बोथ द ग्रुप्स अपीयर कर रहे हैं, सबसे ज्यादा एफर्ट, सबसे ज्यादा जज्बा, तो सबसे ज्यादा मेहनत तो आपकी है, सबसे ज्यादा आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। जो लोग बोथ द ग्रुप्स अपीयर कर रहे हैं उनके लिए सबसे बेहतरीन चीज ये है, आपको 1 दिन में 2 सब्जेक्ट उठाने हैं। कई लोग 1 दिन में 1 सब्जेक्ट उठाएं, चलता है, बट आपका टाइम डबल हो जाएगा, जहां पे 10 दिन लगते हैं आपको 20 दिन लगेंगे। लाइन से आप 9:1 9:1 9:1 में आप, पहला ऑप्शन यही है कि आप सारे सब्जेक्ट उठाइए और 10 दिन में सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कीजिए, सॉरी 20 दिन में आप सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कीजिए। दूसरी स्ट्रेटेजी है, आप 1 दिन में 2 सब्जेक्ट उठाइए और आप पूरा कंप्लीट कीजिए उसको, 20 दिन दीजिए आप, 2 दिन के 2 सब्जेक्ट लीजिए और 20 डेज लीजिए आप पूरा, और 20 डेज में एक बार सिलेबस खत्म कीजिए। एग्जाम के पहले, बिलीव मी, एग्जाम के पहले आपको 4 रीडिंग करनी बेहद जरूरी है, 4 रीडिंग कम से कम पूरे सिलेबस की होनी जरूरी है, और हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 15 से 20 घंटे के आपको क्वेश्चन आंसर लिखने हैं बच्चों। ये स्ट्रेटेजी आपने फॉलो की तो बिलीव मी, आपको पास होने से कोई भी रोक नहीं सकता,
और बच्चों एफर्ट लीजिए, और जब मैं पढ़ाई की बात करता हूँ तो पॉजिटिव सोचिए और अपने ऊपर विश्वास रखना बहुत जरूरी। अभी तक जो पाप हो गए हैं वो हो गए हैं, डजंट मेक अ डिफरेंस बच्चों, अब से नई शुरुआत करनी है बच्चों। यू हैव टू यू नो ट्रस्ट अपने ऊपर बहुत जरूरी कि यार मैं ये करने वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो, अपनी विल पावर को जगाइए और बहुत मेहनत कीजिए। अपने मोबाइल के स्क्रीन में हर जगह लिखिए कि दिसंबर 2019। मोबाइल पे टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है बच्चों, मेरा एक वीडियो रोज का आता है तो आप वो भी ना देखें तो चलेगा, बट मेक श्योर कि आप मोबाइल पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें, अच्छी पढ़ाई करें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए। बट बच्चों अब याद रखिए, अब आपका टाइम आ चुका है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये चार महीने में आपकी किस्मत बदलेगी बच्चों। चार महीने अच्छे हो गए, लाइफ टाइम आप खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे, ये मेरा वादा है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, लव यू लव यू लव यू।